करो करो दोनों बच्चे करो। दोनों दोनों हाथ बढ़ाओ, आओ दोनों। वेरी गुड, हो गई वेरी गुड, हो गई भाई वेरी गुड। मानवी के लॉज आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो अभी दो दिन से हम लोग साथ में ही हैं। बड़ा अच्छे से हम रहे हैं और बहुत अच्छा साथ में मन लगा, और हमने फाइनल मैच साथ में देखा, बहुत ही मज़ेदार गए ये दो दिन। तो आज उन लोगों को निकलना है, जाना है, तो अभी सब शादी का डिसाइड कर रहे थे कि किस दिन शादी रखेंगे हम लोग, तो वही सब डेट फिक्स कर रहे थे, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो अभी इन लोगों को विदाई देते हुए, तो फिर हम आगे मिलेंगे और भी सभी को यहाँ पे हम ड्रॉप करके आए हुए, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से हम कार में। बाकी सब तस्वीर आती है कि शॉप कब बंद होती है, मार्केट कब बंद होती है, साथ में वो शादी का भी मूवी देख लेंगे। बिल्कुल एक जगह से मिल जाना, और वो इकट्ठा एक बार फैब्रिक तो यहाँ सभी को करते हैं बाय बाय, हैप्पी जर्नी सभी को, बाय। One eternity later. यहाँ आ गए बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, बच्चों को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट थी। टुईशा के लिए शूज लेना है और यशी को एक टी शर्ट लेना है, तो वो एक ही शॉप फिक्स होती है स्कूल से, तो वहीं पे मिलती है, तो वो लेने आए हुए हैं बच्चों को। देखिए ठीक है साइज़, ठीक है ना। कम टुईशा, टुईशा यहाँ यशी अपना ट्राई कर रही है शूज का साइज, तो एक शूज आ रहा है टाइट और जो दूसरा नंबर ले रहे हैं वो आ रहा है लूज, तो उसके बीच का एक सॉल्यूशन चाहिए हमें। अलग अलग ब्रांड में भी देख रहे हैं कि किसी ब्रांड का फिट आ जाए, तो वो सब चेक करते हैं बच्चे। थंब एक साइज बड़ा दिखाइए, दिखाओ ये कितने का है। सौ रुपए ये शूज हुआ फाइनल यशी का, थ्री नंबर तुरन्या तुविशा में बैक के लिए करते हुआ। उसका सही साइज मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए स्कूल में, बच्चा खेलता है, पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो सारा माइंड उसका ध्यान शूज में ना अटक जाए, तो फ्रीली होके बच्चा काम करेगा। टुविशा ने एक्स्ट्रा डिमांड कर दिया कि मेरे को स्कूल बैग भी चाहिए, वो पसंद कर रही है, चूज कर रही है अपने हिसाब से कि कौन सा स्कूल बैग उसे कलर वाइज कौन सा पसंद है, जिसपे क्या कार्टून अलग अलग करेक्टर बने होते हैं, तो उनमें से पसंद करते हुए ऑलरेडी उसके पास एक न्यू वन है, बट उसको एक एक्स्ट्रा स्कूल बैग चाहिए, तो वो चूज करते हुए यहाँ ये रहा मैं। चूज कर लिया है बच्चों का। A few moments later. बैग आ गया। चलो ये स्केच इंडिया टीम की वर्ल्ड कप जीतने पे, अब इसमें कलरिंग होगी, वाओ गुड, चलो कलर करो इसमें। अब ये टुविशा ने बनाया इंडिया टीम के लिए, वेरी गुड ब्यूटीफुल भाई, ये टुविशा का स्केच है, बहुत प्यारा है, आला दर्जे का बनाया, आला दर्जे का। बर्तनों की लग गई है मार्केट, सुपर मार्केट मोंटू ने मंगाए भाई बर्तन सारे। यहाँ बैठे हैं ये, क्या बना रहे हो? आई हैव, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी आई हैव। ये बर्तन है मोंटू के बिरयानी। यहाँ हुई टेंशन बेटा, आपका स्कूल खुल रहा है ना आपका?
अब आपको घर जा रही हूँ, अब कल के साथ वापस। बुआ का शूट है, हमें ना मेट्रो स्टेशन छोड़ेंगे, शूट है वहाँ निकलना, मतलब चंडीगढ़। तो आपसे तो प्रॉमिस हो गया ना, अब बच्चा मोंटू बुआ को जाते हुए देख के होता है दुखी, टेंशन में आ गया। बर्तनों का बाजार लगाए यहाँ पे, ये बिरयानी बनेगा इसमें बोनलेस भाई, और इडली सांभर वाला का है। देखो चावल भी भिगोने पड़ेंगे, चावल भिगोने पड़ेंगे तो उसको छानने के लिए पानी, छानने के लिए रोटी चपाती कढ़ाई चमची कढ़ाई उसके अंदर बनाऊंगी मैं। वो क्या होता है, शीरमाल पुए और बुलबुले घेवर, नींबू वाला क्या गैस पे शरबत वाले। ये A few moments later. जैसे हर कोई मीडिया वाला आपको पेंसिल की चोटी में एंटर करने से पहले सोचती नहीं है, आपसे पहले भी बात की, आपके चंद्रिका के बारे में कहा था। यश यहाँ कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क फिनिश, बच्चे कर रहे हैं अपना काम, विशा भी कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क, थोड़ा सा रहता है। ओके, दोनों सिस्टर अपनी हेल्प कर रही है एक दूसरे की। कंप्लीट हो गया आपकी एक्टिविटी, ओके सारा डन है ना। चलो कर रही है, उसे प्रोजेक्ट मिला है पूरा मैप का, डेक्कन प्लेटू मैप, मैप मैप समझे, ये यहाँ बैठे हैं लोग। The next day, बाय बाय जा रहे हैं भाई, मोंटू जा रही है, बाय मम्मी जा रही है। चलो बाय। One eternity later. रहा है डिनर में कड़ी चावल, अरे वाह मन पसंद फेवरेट है ये तो मेरी, आपकी भी मजा आ जाएगा भाई, जबरदस्त लग रही है ये तो, बड़ा टेम्पटिंग कड़ी साथ में राय जन्ना, अप्रतिम भोजन। ये चावल बन रहे हैं यहाँ पे, कड़ी चावल का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है, सारी दुनिया एक तरफ कड़ी चावल एक तरफ निर्वाणा। सही कह रहा हूँ ना मैं, आपने टी शर्ट भी पहनी है कुछ कड़ी चावल टाइप, क्या कहना चाहेंगे चावल। कड़ी चावल सही है भाई, कड़ी और चावल। और ये डिनर हो गया रेडी, टेम्पटिंग कड़ी चावल के साथ, ये अनियन बड़ा मजा आ जाएगा, फुलका है इसके अंदर। तो करते हैं स्टार्ट, बहुत बढ़िया बनाए लग रहा है शक्ल से, अब स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं मजेदार कड़ी चावल भाई। A few moments later. अभी का सीन ये है, कुछ मार्केट से आए वेजिटेबल सब्जियां, कुछ फ्रूट मौसम्बी जूस बनेगा और फ्रिज में लगाया जा रहा है, फ्रिज को क्लीन करके सब्जी लगाई जा रही है फ्रिज के अंदर, लगाते हुए फ्रिज में वेजिटेबल्स। ओके अभी मार्केट गए हुए थे हम लोग, हाँ आम खाना होगा, हाँ आम का सीजन है, गर्मियों में आम का सीजन, तो मार्केट से लाए हुए सब्जियां कुछ फ्रूट, गर्मी बहुत है, तब पसीना निकल रहा है इन दिनों, बारिश हो नहीं रही। ये लेडी फिंगर है, भिंडी, ये भिंडी है, और हाँ एक नई चीज लेके आए हैं आपको, मैं मिलवा देता हूँ वो नई चीज, मिलवा देता हूँ इसलिए क्या, क्योंकि ये भी प्लांट्स भी सजीव होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग है ये, नॉन लिविंग नहीं होती चीजें। तो ये देखिए ये वाला बैम्बू प्लांट है, तो ये बड़ा अच्छा होता है, इसको इंडोर ही रखा जाता है, तो उसको मतलब फिल्टर्ड या आरओ के बिस्लेरी मिनरल वाटर पानी में रखते हैं, नॉर्मल पानी में नहीं, क्योंकि तभी ये बड़ा डेलिकेट होता है, ये तो सही है इंडोर रहेगा। पहले वाला था वो को चला था, दो ढाई साल चला, बट उसके बाद वो थोड़ा सा ड्राई हो गया, काफ़ी येल्लो होने लगी उनकी पत्तियाँ, तो ये लिया इस बार। चलिए इसका टेक केयर करेंगे अच्छे से, और इसको नरिश किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा इसका बहुत।
स्वेटिंग इतनी हो रही है इन दिनों में, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बारिश का कोई नाम नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है जिसके कारण पसीना बहुत निकल रहा है, ह्यूमिड निकल रहा है जमीन से। पता नहीं क्या होगा, नेचर तो ऐसा ही है, पूरे नॉर्थ इंडिया का यही हाल है, गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोग हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है एमपी से क्रॉस होता है फिर नीचे जाके इक्वेटर है, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और सर्दी भी एक या दो महीने होती है जो ज्यादा ही कड़क सर्दी होती है, बाकी तो गर्मी गर्मी झेलनी है बहुत ज्यादा। अभी मार्केट से आया तो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कपड़े, हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तो टेक केयर, दिखते रहिए। The next day. Finally, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है, गैस कीजिए क्या हो सकता है, बारिश हो चुकी है और अच्छा सा बादल है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, हर जगह क्लाउडी क्लाउडी वेदर है और बारिश भी अच्छी स्टार्ट हो गई है, मजेदार, शायद ठंडक हो इससे कुछ और मजा आ जाएगा, अगर ठंडी ठंडी हो गया मौसम, वेदर प्लेजेंट हो गया, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और बहुत टाइम बाद बारिश आई है, गर्मी इस साल बहुत थी, होनी चाहिए बहुत तेज बारिश, चलिए लुफ्त उठाते हैं बारिश का। और इस टाइम क्या होगा, चाय और भजिया पकौड़े, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा इस टाइम तो, वाह।